अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। कलेक्टिवली 24 ऑफिसर शहीद हुए हैं। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? तुम सभी का स्वागत है इस ऑपरेशन ब्लैक में। आखिर तुम हो कौन? लग गए। उन लोगों की तलाश में हूं जिनके पास खोने को कुछ नहीं। वो जाल बिछा चुके हैं, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे पास एक प्लान है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ जंग खत्म नहीं करेगा, सब कुछ खत्म कर देगा। जवान को लेकर पागल हुए लोग, जवान और केजीएफ में किसकी स्टोरी लाइन है बेस्ट? शाहरुख खान की जवान मूवी में हमें कई ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जो हमें हैरान कर देंगे, लेकिन जिस सीन का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो है बाप बेटे वाला सीन, जो खुद शाहरुख खान निभा रहे हैं। शाहरुख खान पिता का भी रोल निभा रहे हैं और बेटे का भी, वो भी एकदम मस्त लुक में। फुल फ्लेज्ड एक्शन सीन है और मैं वो सीन इमेजिन कर रही हूँ कि जब 10 मिनट के लिए अगर अक्षय कुमार, शाहरुख खान और शाहरुख खान जूनियर दोनों को एक साथ एक्शन करते हुए दिखा दे, गुंडों की पिटाई करते हुए दिखा दे, तो वो सीन ऑडियंस को पागल ही कर देगा। वो सीन इस फिल्म का सबसे धमाकेदार सीन होने वाला है। वो थिएटर के अंदर आग लगाने वाला सीन है और इसी सीन के लिए लोग काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि शाहरुख का बाप और फिर एक यंग बेटे के रूप में दिखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। दोनों ही लोग के एक साथ एक फिल्म में, आप खुद सोचिए क्या ही गदर मचेगा थिएटर के अंदर। आप लोगों को याद होगी वो 6 सेकंड की क्लिप जिसके अंदर शाहरुख खान धमाकेदार फाइट करते हुए नजर आ रहे थे, उसने तो पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया था। इन दो चीजों के अलावा इस फिल्म का प्रोडक्शन भी इस फिल्म के क्रेज की वजह से है। अक्षय कुमार ने अभी तक इतनी बड़ी फिल्म कभी नहीं बनाई है और शाहरुख खान जिस भी डायरेक्टर के साथ काम करते हैं कम से कम उनके साथ 2-2.5 साल समय बिताते हैं, उन्हें समझते हैं। और अगर शाहरुख खान ने जवान की स्क्रिप्ट को ओके कहा तो आप लोग समझ लो कि हम लोगों को कुछ न कुछ जबरदस्त दिखने वाला है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन वैल्यू कितनी खतरनाक है वो तो सिर्फ 17 सेकंड के मोशन पोस्टर में दिख गया। VFX कलर ग्रेडिंग क्या होती है ये हमें जवान में देखने मिलेगी। इसकी स्टार कास्ट और इन सबसे भी ज्यादा बड़ी बात अनिरुद्ध का BGM और अक्षय का डायरेक्शन है, और ये सब एक साथ जवान मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप इस फिल्मों के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।